वेलकम टू माई चैनल रेशियोसिनेशन। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाते रहूं। सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए नोट्स मेकिंग कैसे करनी है, आज मैं यह डिस्कस करूंगा। मैं नोट्स मेकिंग पे इसलिए जोर डाल रहा हूं क्योंकि यह आपको हर रिसोर्स का एक शॉर्ट कंपाइलेशन देता है। जैसे आप बुक से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब वीडियो से पढ़ रहे हैं, इंटरनेट से पढ़ रहे हैं, उसको आप एक जगह लिखेंगे तो आपका वो कंपाइलेशन बन जाएगा और यह रिविजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और आप अपना नोट्स खुद बनाएं क्योंकि खुद की लिखी हुई चीजें हमें ज्यादा समय तक याद रहती है और ज्यादा हेल्पफुल होती है। मैंने कुछ रूल सेट्स किए हैं, इसके बारे में ज्यादातर टॉपर बात करते हैं लेकिन सभी स्टूडेंट अप्लाई नहीं करते, तो जानते हैं अब इन रूल्स को। तो जो पहला रूल है इसके बारे में यह है कि हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। सीजीपीएससी प्री का एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है और इसमें सवाल ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट और फैक्चुअल होते हैं। बहुत कम क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं जिनमें हमें कॉन्सेप्ट पता करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन फैक्चुअल है मतलब हमें फैक्ट्स याद रखनी होती है। ऐसे में हमें शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। दूसरे रूल के बारे में यह है कि मैंने कई स्टूडेंट को देखा है कि वो प्री के लिए जब नोट्स बनाते हैं तो पैराग्राफ में लिखते हैं। हमें अपने नोट्स पॉइंट वाइज बनाने हैं, पैराग्राफ तो बुक्स में भी दिए होते हैं, ऐसे में नोट्स मेकिंग की क्या जरूरत है। और मैंने अभी अभी जस्ट नोट्स मेकिंग की इम्पोर्टेंस बताई है और सीजीपीएससी के एग्जाम का कॉन्सेप्ट भी बताया है कि वह कैसे आता है। तीसरा रूल यह है कि मैंने अभी भी बताया कि इस एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं और फैक्ट्स को सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करने के लिए टेबल और चार्ट्स बहुत यूजफुल होते हैं। आप अगर हरिराम पटेल की पुस्तक भी देखें तो वह एक शॉर्ट नोट्स का कंपाइलेशन ही है, उसमें आप टेबल और चार्ट्स भी पाएंगे। अब चौथा रूल यह है कि मैंने पिछले वीडियो में बोला है कि हमें माइंड मैप बनाना है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यह थ्योरी को एक शॉर्ट और सिंपल वे में अरेंज करता है। आप जब माइंड मैप को पढ़ेंगे तो उस चीज को कभी नहीं भूलेंगे और साथ ही साथ यह रिविजन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। माइंड मैप कैसे बनाना है यह मैं आगे बताऊंगा। पांचवा रूल यह है, मैंने अभी कई बार बताया कि एग्जाम फैक्चुअल है, ऐसे में हमें फैक्ट्स को याद रखने के लिए ट्रिक बनाना जरूरी है। जैसे आप पीरियोडिक टेबल को ट्रिक से याद रखते हैं। अब यह एक सैंपल है शॉर्ट नोट्स का, इसमें आप देख सकते हैं जो चीजें हैं वो टू द पॉइंट है एंड पॉइंट वाइज है, सभी इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है इसमें और यह कॉम्प्लेक्स भी नहीं है पैराग्राफ के हिसाब से। और आप जब रीजन करेंगे तो ये चीजें आपको आसानी से याद रहेंगी और ये एक तरह से आपको फोटोग्राफिक मेमोरी बनाने में भी हेल्प करती है। अब मैं माइंड मैप का सैंपल बताता हूँ। यह मैंने बनाया है छत्तीसगढ़ के अभयारण्य के बारे में, तो आप देख सकते हैं सभी एरो का डिजाइन अलग अलग है। तो सबसे बड़ा एरो है वो तमोर पिंगला की तरफ है, मतलब तमोर पिंगला सबसे बड़ा अभयारण्य है छत्तीसगढ़ का। उसके जस्ट अपोजिट में सबसे छोटा एरो है जो कि बादलखोल की तरफ इशारा कर रहा है, मतलब बादलखोल सबसे छोटा अभयारण्य है छत्तीसगढ़ का। उसके बाद आप देखेंगे कि इन सब बनने का ईयर क्या क्या है, तो सभी को पाएंगे कि अरेंज्ड है। जैसे 1978 है वो एक साथ है, 1975 वाले एक साथ है, 1983 वाले एक साथ है। और जब आप ध्यान से देखेंगे तो जो बीच वाले अभयारण्य है भोरमदेव और सीता नदी, उन दोनों के ईयर को देखेंगे बनने का, तो आप पाएंगे कि भोरमदेव सबसे नया है और सीता नदी सबसे पुराना है। तो मैंने सबसे नया, सबसे पुराना, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, इसको अपोजिट अपोजिट में रखा हुआ है। उसके बाद आप अगर इन सब जिलों को ध्यान से देखेंगे तो अगर आप नक्शा या आपको याद है तो जो उत्तर की दिशा की ओर है जिले वो ऊपर साइड है और जो दक्षिण वाले हैं वो नीचे साइड है। जैसे बीजापुर नीचे है, सूरजपुर ऊपर है, बलरामपुर ऊपर है, जसपुर, रायगढ़, मुंगेली ऊपर है, बीच वाले बीच में है जैसे कवर्धा, धमतरी। लेकिन जो 12वां पारा है वो बीच में है लेकिन मैंने इसमें नीचे दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसके एरो को डिजाइन को अलग बनाया हुआ है। और उदंती भी ऊपर में है मतलब बीच में है, इसलिए मैंने उसके साथ में स्टार मार्क्स लगाए हुए हैं। तो आप ऐसे माइंड मैप बनाएंगे तो आपको चीजें जल्दी याद होंगी और हमेशा याद रहेंगी, आप उस चीज को कभी भूलेंगे नहीं और यह आपके दिमाग में एक
तरह से फोटो की तरह बैठ जाएगी, इसलिए वो चीज आपको याद रहेगी। तो मैंने अभी बोला कि हरिराम पटेल एक कंपाइलेशन है शॉर्ट नोट्स का, तो आप उसको देख के आप माइंड मैप बनाए, उसमें शॉर्ट नोट्स मत बनाए, उसमें आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा माइंड मैप बनाए। और जब आप इंडिया के लिए पढ़ेंगे उसमें दोनों बनाए, शॉर्ट नोट्स भी बनाए और माइंड मैप भी बनाए। हाँ, ऐसा ना करें कि एक ही टॉपिक का आप शॉर्ट नोट्स भी बना रहे हैं और माइंड मैप भी बना रहे हैं। अब मैंने लास्ट रूल बोला था कि आपको ट्रिक बनानी है चीजों को याद रखने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन आता है कि किसी वंश के शासकों का क्रम जमाइए, तो मैंने यहाँ पे वाकाटक जो वंश है उसके शासकों के बारे में एक ट्रिक बनाई है। तो यह ट्रिक है एमआरपी नहीं प्राइस है। तो मैंने इस ट्रिक में जो जो मेन लेटर है उनको कैपिटल में लिखा है, जैसे MRP NPH। अब इस ट्रिक को जानते हैं। एम का यहाँ पे है फुल फॉर्म महेंद्र सेन, आर का रुद्र सेन, पी का प्रवर सेन, नहीं का है नरेंद्र सेन, प्राइस का है पृथ्वी सेन और है का है हरी सेन। तो आप देखेंगे यहाँ पे पी दो है, तो जब आप प्राइस को देखेंगे तो PRI और पृथ्वी सेन में भी PRI सेम मिल रहे हैं। तो आप ऐसे कुछ ट्रिक्स बनाएं और इससे आपको चीजें जल्दी याद रहेंगी, और आप एग्जाम में जब अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ट्रिक से वो चीज बहुत जल्दी याद आएगी। हाँ, लेकिन कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे आप ट्रिक उन्हीं का बनाए जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, जो याद नहीं होती आपको आसानी से, या जहां जरूरत है आप इतने ज्यादा भी ट्रिक्स ना बनाए कि आपको ट्रिक को ही याद करने के लिए ट्रिक बनाना पड़े। तो आप एक सही सही अमाउंट में ट्रिक बनाए और सही चीजों के लिए ट्रिक बनाए। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है नोट्स मेकिंग के समय, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।